साधना मार्ग में कुछ लोग बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, इतनी जल्दबाजी कि जी हमें तो अब बस पहुंचा ही दो, एक साल हो गया हमें आते हुए, हमें 5 साल हो गए आते हुए, कुछ दिखाई देता था पहले तो, पहले एहसास भी होता था, अनुभव भी होते थे, अब अनुभव भी कम हो गए, नाम भी नहीं रटा जाता, अब बस हमें तो उठाओ और बस परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दीजिए, ये आपका काम है। किसी को मैं बोलता हूँ कि भाई ध्यान किया करो आप, वो कहते हैं कि नहीं जी ध्यान भी आप ही कराओगे। मैं कहता हूँ सुमरण किया करो कि नहीं जी हमारे बस की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आप बैठो तो कम से कम ध्यान की शुरुआत तो करो, 1 घंटा उसके नाम के ऊपर तो बैठिए आप। वो कहते हैं नहीं जी हम बैठे भी नहीं गे, बस हमें पहुंचा दीजिए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा संभव हो भी सकता है, लेकिन पात्र तो चाहिए, समर्थ तो चाहिए। अगर मान लीजिए मैं पहुंचा भी दूं आप लोगों को, क्या आप वहां ठहर पाएंगे? क्या आप उसके चरणों में रुक पाएंगे? क्या आपको एहसास होगा आपकी स्थिति क्या है? मैंने ऐसे पहुंचा करके भी देखा है लोगों को कि उठाया और दरबार में भेज दिया, इसको भी भेज दो दरबार में, इसको भी दरबार की झलक दिखा दो। मैंने बहुत लोगों को दरबार की झलक दिखाई है, वहाँ पहुँचाया है बहुत लोगों को, लेकिन वहाँ जितना मुश्किल पहुँचाना है उससे भी ज़्यादा मुश्किल वहाँ ठहरना है। तो आप जितनी साधना की जल्दबाजी में लगे हुए हैं कि भाग भाग के, ये भाग भाग के साधना नहीं होती, साधना सुमरण के द्वारा होती है। साधना के 3 सोपान हैं, पुरुषार्थ, प्रार्थना, इंतजार। अभी तो आपने पुरुषार्थ भी नहीं किया है, प्रार्थना कहाँ शुरू हुई है, अभी तो पुरुषार्थ भी नहीं हुआ है, उसके बाद प्रार्थनाएं शुरू होंगी और फिर आप इंतजार करना कि कब परमात्मा, कब प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तब इंतजार करना कि आ जाएंगे, कल आएंगे, अभी आएंगे, फिर आएंगे, फिर उनका इंतजार करना सबरी की तरह से। ऐसे ही बोल दिया कि हम पहुंच गए, ऐसे नहीं होता। अगर पहुंच गए फिर आकर के वापस गिरोगे, फिर रुक जाओगे वहीं, कैसे कल्याण होगा आप लोगों का? नहीं हो पाएगा। तो जो ये भागम भाग मची हुई है कि उसको तो ये दिखाई देता मुझे नहीं दिखाई देता, उसको तो इस चीज़ का एहसास हुआ मुझे नहीं हुआ, वो कुछ अलग बताता है मुझे कुछ अलग दिखाई देता है, मुझे उससे ज़्यादा साधना करनी है, आप मेरी मदद कीजिए, लेकिन बैठेंगे नहीं, हम नाम नहीं जपेंगे, बस आप ऐसे हाथ कर दो और कल्याण कर दो हमारा, तब तक तो सही है। आप रेल में बैठने के बाद, जहाज में बैठने के बाद अगर उसके अंदर भी भागते रहे, क्या आप जल्दी पहुंच जाओगे? अगर आप स्थिर होकर के विश्राम एक जगह स्थित हो जाएंगे, कम से कम अपनी आपकी सीट तो पक्की रहेगी, उसके ऊपर तो कोई और नहीं बैठेगा। अगर आप इसी तरह से भागते रहे, चढ़ते रहे, स्टेशन से उतरते रहे, घूमते रहे, आपकी सीट कोई और ले लेगा, कैसे पहुंचोगे मंजिल के ऊपर? टीटी आएगा, उतार देगा कि आपकी सीट तो है ही नहीं, क्योंकि काल टीटी का काम करता है, जिसके पास टिकट होती है वही ऊपर जाता है, जिसके पास नाम की टिकट होती है उसी को रास्ता मिलता है। तो जो साधना में भागम भाग मचाए हुए हैं, ये थोड़ा सा सहन शक्ति को बढ़ाइए, थोड़ी समझ को बढ़ाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी साधना तो कीजिए। सोचिए आप अपने उन ऋषि मुनियों के बारे में जिन्होंने 100-100 साल से हिमालय के अंदर बैठे हुए हैं, कितनी साधना की होगी, आप 100 दिन भी नहीं बैठते, और 100 दिन बैठने से पहले आपको एहसास हो जाना चाहिए। अगर आपको एहसास नहीं होगा तो आपका गुरु पूर्ण नहीं है। अगर आपकी ये नहीं बताई कि अभी तुम बीड़ी पी करके आए हो, सिगरेट पी करके आए हो, तो आपका गुरु पूर्ण नहीं है। अगर शराब आप पीते हो, देखे गुरुजी, क्या गुरुजी को यही काम होता है क्या मेरे भाई?
कि वो बैठ करके बस आपको ही देखता रहे, क्या वो अपने में स्थित नहीं होगा? क्या उसको परम तत्व का अनुभव नहीं होगा? क्या वो अपने आप में समाधिस्थ नहीं होगा? उन्हें जरूरत क्या है कि आंख बंद करे और आपको देखे? क्या जरूरत पड़ी है उनको? आप सोचिए, आप किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ भ्रमित हो गए हैं कि साधना में भी दौड़बाजी, जैसे संसार में दौड़बाजी चल रही है, भागम भाग चल रही है, मैं उससे आगे निकल जाऊंगा, मैं उससे पीछे रह गया, वो मेरे से आगे निकल गया, एक चक्कर और है बस अभी निकाल दूंगा, इस 5 साल में उसको पकड़ लूंगा, उसको पीछे छोड़ दूंगा। साधना में ये भागम भाग नहीं होगी भाई। साधना का जो सिस्टम होगा वो ध्यान के द्वारा होगा, और जितना स्थिर होगा सब कुछ, जितना अंदर से एकाग्र होगा सब कुछ, जितना आप अपने को स्थिर कर पाओगे, जितना आप अपने को पात्र बना पाओगे, उतना ही परमात्मा आपके ऊपर कृपा कर देगा। तो इस भागम भाग को रोक करके और स्थिर आसन लगाने का कोशिश कीजिए, उसी से आपका कल्याण का मार्ग निकलेगा।